अस्सलामुअलैकुम, सब कैसे हैं मेरे यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे और मेरी वीडियोस को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब बटन को हिट करना और बेल आइकन को हिट करना ताकि मेरे नए नए वीडियोस आपको मिल जाएं। और आज आप देख रहे होंगे कि शफ़त क्या बताने आई है। तो इससे पहले कि मैं आपको बताऊँ कि मैं क्या बताने के लिए आई हूँ, मेरे को ये ऐसे तो समझ ही गए होंगे कि या तो ये फेशियल बताने आई है या फिर स्किन केयर का। यू आर एब्सोल्युटली राइट कि मैं वही बताने के लिए आई हूँ। और यकीन करिए कि टाइम ही नहीं मिला स्किन केयर का, घर का काम और ये वो व्हाटएवर। थोड़ा सा अब मुहर्रम आने वाली हैं तो उसमें हमारा काम डाउन हो जाएगा। तो दो बच्चियाँ सीखना चाहती हैं पार्लर का कोर्स और दो विजिट माई सैलून। तो आज मैं आपको नेचुरल इन्ग्रीडियंट्स पे आपको ऑफिशियल बताऊँगी। घर में जो लड़कियाँ जो वुमेंस ये कहती हैं कि हमारे पास टाइम नहीं होता, हम नहीं आ सकते सैलून में, हमें बच्चे तंग करते हैं, घर की जिम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा हैं तो हम फेशियल नहीं करवा सकते, तो उन लड़कियों के लिए, उन वुमेंस के लिए मैंने सोचा कि एक वीडियो की जाए जिसमें आपको घर में बैठ के आपको फेशियल करना सिखाया जाए। यू नो कि आजकल हाइड्रा फेशियल बहुत ज़्यादा ही एक्सपेंसिव है, लेकिन हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। और हाइड्रा फेशियल का रिज़ल्ट ही आपको यू नो तो बहुत एक्सपेंसिव है, तो हमें करना चाहिए। हाइड्रा का जो फेशियल है वो बहुत अच्छा होता है, स्किन को टाइट करता है, ब्राइट करता है, रिंकल्स दूर करता है, सब कुछ करता है, लेकिन अगर अच्छे तरीके से और अच्छे फेयर सैलून से किया जाए। क्योंकि हाइड्रा जो है वो मिनिमम जो है वो 5000 या 6000 से स्टार्ट है, तो देख लीजिए। अच्छा, तो आज मैं आपको इसमें जो फेशियल बताने जा रहा हूं, इसमें हाइड्रोलिक भी होता है जो कि एसिड है जो कि हमारी स्किन को टाइट करता है, ग्लो करता है, और ये अमूमन हाइड्रा फेशियल में ही इस्तेमाल होता है, लेकिन मैं इस फेशियल में इस्तेमाल करके दिखाऊंगी आपको। सबसे पहले तो आप अपने फेस को वॉश कर लीजिए। जी देख लीजिए कि मैंने अपने फेस पर कुछ भी नहीं लगाया हुआ, नॉट एट ऑल, और ऐसी ही आ गई हूँ आपके सामने। मैंने कहा आपके सामने करके दिखाऊँ। तो सबसे पहले तो आप कच्चा दूध ले लीजिए, और कच्चा दूध नहीं है तो चुने कोई बात नहीं, ठंडा जो दूध होता है वो बॉयल हुआ वो ले लीजिए। और इसमें जो आपने इंग्रेडिएंट्स डालना है वो आप देख लीजिए, ये है ग्लिसरीन। ग्लिसरीन अगर आपने एक चम्मच या दो चम्मच आपने कच्चा दूध लिया है तो उसमें आपने डालना है वन टेबल स्पून आपने ग्लिसरीन। ग्लिसरीन आपने क्यों डालना है, क्योंकि ये स्किन को मॉइस्चराइज करता है, हाइड्रेट करेगा, स्किन को सॉफ्ट करेगा। क्योंकि अमूमन ये होता है कि दूध कच्चे दूध से जब हम क्लिनजिंग करते हैं तो हमारी स्किन खिचड़ी शुरू हो जाती है, तो ये ऐसा नहीं होगा। इसमें आप वन टेबल स्पून के करीब आप इसमें डालिए, और ये जो फेशियल है बहुत अच्छा है। अच्छा, हमने कच्चे दूध में, मैं फिर बता दूँ, कच्चे दूध में हमने अगर टू टेबल स्पून है तो वन टेबल स्पून हमने इसमें ग्लिसरीन मिक्स किया, और इस तरीके से आप इसको फाइव मसाज कीजिए। जेंटल तरीके से आपने मसाज करना है, ठीक है, जेंटल तरीके से आपने इसको मसाज करें, फुल फेस के ऊपर, आँखों के नीचे, अच्छे तरीके से 5 मिनट्स 10 मिनट्स। गर्दन को नहीं भूलना, कभी भी गर्दन को ना भूला करें, गर्दन के ऊपर भी मसाज करें, ठीक है। ये क्लिनजिंग में बता रही हूँ, क्लिनजिंग आप घर में कैसे कर सकती हैं। जो गर्ल्स या वुमेंस कहती हैं कि हम फेशियल का हमारे पास टाइम नहीं होता और हम नहीं आ सकते, तो उन सब गर्ल्स के लिए मैं एक अमेजिंग रिज़ल्ट वाला फेशियल लेके आ गई हूँ। और आप मुझे यकीनन दुआएं देंगी और मेरे चैनल को देखते हुए मजबूर हो जाएंगी कि इतना अच्छा फेशियल चपक लेके आई है। तो ज़रूर कीजिएगा, नेचुरल चीज़ें जो होती हैं बहुत अच्छी होती है। जेंटली आप इस पर करें मसाज, 5 मिनट्स या 10 मिनट्स आप मसाज करें, अच्छे तरीके से मसाज करें, आंखों के गिर्द और आंखों के ऊपर नहीं भूलना बिल्कुल भी। जेंटल तरीके से आपने मसाज करें, और अच्छी तरीके से मसाज करने के बाद इसको वाइप्स ऑफ कर दीजिए। कोई सा भी आप देखो उस तरीके से आप मस कर दीजिए, ठीक है। ये होगी आपकी क्लिनजिंग, ठीक है, ये आपकी क्लिनजिंग होगी। और इसके बाद जो मैं आपको बताने के लिए जा रही हूँ स्क्रबिंग, लेकिन हम यहाँ पे स्क्रबिंग नहीं करेंगे, एक्सप्लोरेशन करेंगे। और वो आपसे ऐसे करना है कि आपने एक चम्मच जो है ना बेसन ले लेना है, ठीक है, एक चम्मच आपने बेसन लेना है, एक चम्मच बेसन। ये बेसन कुछ मेरे पास ज़्यादा है, मैं इसको किसी चीज़ में डाल देती हूँ, कम करूँगी। ठीक है, एक चम्मच आपने
ये देखिए, जब अगर बेसन आपको सूट नहीं करता तो आप लाल मसूर की दाल को पीस के छान लें या आटे का चावल पीस के छान लें, वो ले सकते हैं। और इसमें आपने डालना है थोड़ा सा, फिर वो ग्लिसरीन डालना है। ठीक हो गया, इसमें आपने खाली पानी डालना है। इसका बेसन में आपने 1 से 2 चम्मच जो है ना, आपने खाली पानी डाल के मिक्स करें। इतना अच्छा स्क्रब बनेगा ना कि आप देखते रह जाएंगे। आप कहेंगे खाली बेसन, तो खाली बेसन भी आपको बहुत अच्छा करेगा, स्किन को टाइट करेगा, स्किन को ग्लो करेगा और पैचेस को दूर करेगा, दाग धब्बों को दूर करेगा, बहुत अच्छा होता है। ये देखिए, ये खाली बेसन है और बेसन में मैंने खाली पानी डाला है, और पानी डालने के बाद इस तरीके से आप फेस पे लगाएं। ये स्क्रबिंग भी है, एक्सफोलिएशन भी है, आपको स्क्रब करेगा, कलर करेगा, डिहाइड्रेट करेगा, स्किन को टाइट करेगा, स्किन को फेयर करेगा, दाग धब्बों को दूर करेगा। आपको पता है कि बेसन कितनी अच्छी चीज़ है, अगर आप यूज़ करें आंखों के नीचे हल्के जो पड़ गए हैं वो दूर करेगा, बहुत अच्छा। इसका जेंटली मसाज करना है आपने 5 मिनट्स के, मैं बता रही 5 मिनट्स आपने इसका मसाज करना है। गर्दन को नहीं भूलना बिल्कुल भी, गर्दन को अभी भी नहीं भूलना चाहिए। और इस तरीके से आप हल्के हाथों से आप इसका मसाज कीजिए। क्लॉक वाइज या एंटी क्लॉक वाइज करें, ठीक है। ये जो आंखों के नीचे लड़कियां हैं, गर्ल्स कहती हैं, रिंकल्स पड़ जाते हैं, इनको जेंटली आप इस फिंगर से आप हल्का हल्का करें, और हल्का 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 मसाज करें फुल फेस पे, गर्दन पे, सारी जगह पे। आप हल्के हाथों से यकीन मानिए, जब आप ये कर रही होंगी तो आपको इतना अच्छी फीलिंग्स आएंगी ना, क्योंकि क्या किसी अच्छे फेशियल से आएगा। मैं किसी फेशियल को या किसी उसके अगेंस्ट नहीं जा रही, लेकिन ये सिर्फ उन बच्चियों के लिए, उन गर्ल्स के लिए, उन वुमेंस के लिए है जो ये कहती हैं कि हम जनाब घर से बाहर नहीं आ सकते, बहुत मुश्किल काम है, महीने गुजर जाते हैं, ऑपरेशन नहीं कराते, कैसे हम करें, क्या करें। तो उन लोगों को चाहिए, उन वुमेंस को चाहिए कि वो अपने घर में बैठ के मेरा ये वीडियो देखें, शेयर करें, ताकि किसी और का भला हो जाए। और उसके बाद आप ये ज़रूर 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 ट्राई करें। इसको ट्राई करने के बाद मुझे कमेंट्स में बताएं कि ज़रूर कि आपको ये फेशियल कैसा लगा। स्क्रबिंग हो गई हमारी, 5 मिनट्स आप करते रहिए, और उसके बाद आप इसको वाइप्स कर लीजिए। ठीक हो गया, बहुत हल्के हाथों से करना है, बिल्कुल भी ज़्यादा टाइटली और ज़्यादा वो नहीं करना कि स्किन आपकी ख़राब हो जाए। यू नो कि ये बेसन है और बेसन इतने आराम से नहीं उतरता, तो आप एक दफ़ा मुँह धो लें। तो मैं मुँह धो के आती हूँ। ये देखिए, मुँह धो के आए, मुँह धोने का मकसद ये होता है कि जो बेसन होता है बारीक बारीक पार्टिकल्स रह जाते हैं स्किन के ऊपर, तो उसको मुँह धोना चाहिए। कोई भी साफ सुथरा टॉवल लेने के बाद आप स्किन को टैप करें, कभी भी स्किन को रगड़ना नहीं चाहिए, बस टैप टैप करके आप स्किन को साफ करें। ये हो गया आपका स्क्रब एक्सफोलिएशन, और अब हम आते हैं मसाज। मसाज यू नो कि बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, चाहे वह स्किन का हो, चाहे वो हेयर्स का हो, चाहे वो बॉडी का हो, चाहे वो हैंड एंड फूट्स का हो, मसाज इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अच्छा, ये जो इंग्रेडिएंट्स मैंने लिया हुआ है, ये आपको पिंक पिंक सा कुछ नज़र आ रहा होगा, इसमें मैंने जामुन, सीजनल फल जो होते हैं वो ले लीजिए, कोई सा भी सीजनल फल है आपके घर में, उसका प्लम को निकाल के उसको स्ट्रेनर के ज़रिए छान के, और उसमें मैंने थोड़ा सा टमाटर का रस भी डाला। अच्छा, इसमें आप जो है ना एलोवेरा जेल, रोज वाटर और साथ ग्लिसरीन मिक्स करेंगे, जिससे आप मसाज करेंगे। और जब ये बनेगा तो फिर आप यकीन माने कि आपको अपनी स्किन से प्यार हो जाएगा। 1 चम्मच जो है आप इसमें एलोवेरा जेल डालें, और 1 ही चम्मच आप इसमें ग्लिसरीन डालें। और 1 चम्मच ही आप इसमें रोज वाटर डाल दीजिए। ये देखिए इस तरह का मिक्सचर बन जाए। इसको हाथों से करना है, आपको ज़रूरत नहीं किसी ब्रश से या किसी चीज़ से करने की, क्योंकि नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं, तो हम नेचुरल जो है हमेशा अपने हाथों से करते हैं। और इस तरीके से आप फेस पे लगाएं,
आने लगा थे, साथ ही आपको जो प्रेगनेंस आएगी, जो फीलिंग्स आएंगी ना, आई कॉन्ट बिलीव इट, कि आप महसूस करेंगे कि बस कमाल हो गया, स्किन के साथ जादू हो गया और हमें किसी हाइड्रा फेशियल की या किसी फेशियल की ज़रूरत नहीं, हम तो घर में बैठ के कर सकते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से आप करें। लेकिन इसके बावजूद मैं ये कहूँगी कि डू विजिट माई सैलॉन, क्योंकि ये तो आप घर में चीज़ें ढूंढेंगी करेंगी, या हमारे सैलॉन में आएँ तो हम आपको फ़ौरन से पहले क्वालिटी पे मैं कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं करती और इसके साथ ही काम करती हूँ। तो आप जेंटली आप अपने मसाज कीजिए, साइजेगा अच्छी तरीके से, और ये मसाज तकरीबन 10 मिनट्स कीजिए अपने फेस के ऊपर हल्के हाथों से, वही क्लॉक वाइज और एंटी क्लॉक वाइज करते हैं। गर्दन पे भी आप इस तरीके से करें अच्छे तरीके से, जहाँ जहाँ आपके दाग हैं उधर ज़्यादा, जहाँ आप होता है कि यहाँ पे आपके डार्क सर्कल्स हैं, डार्क पैचेस बढ़ गए हैं या कुछ है, तो उस जगह पे ज़्यादा अच्छे तरीके से अपनी आईब्रो को भी कीजिए, अपनी फोरहेड को कीजिए, कानों के पास, गर्दन के पास, बैक पे भी कर सकते हैं आप, हर जगह करें। और आपको अमेजिंग रिजल्ट मिलेगा, आप यकीन मानिए आपका दिल खुश हो जाएगा, आप ये कि बस आज तो कमाल हो गया, आज तो बस फ़ौरन से पहले हमें ये काम करना है। और जब भी आप ये मेरी वीडियो देखें तो प्लीज़ लाइक का बटन कर दिया करें, दबा दिया करें, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता, और उसके साथ ही कमेंट्स भी कर दिया करें। मेरा हौसला बढ़ता है जब आप लोग मेरी वीडियोस को लाइक करते हैं और कमेंट्स करते हैं, कि मानिए बहुत खुशी होती है जब आप लोग देखते हैं और मुझे बताते हैं कि मेरी वीडियोज़ आपको कैसी लग रही हैं। तो मेरा दिल करता है कि मैं रोज़ आऊँ, और कोशिश मेरी यही होती है कि यूज़फुल इन्फॉर्मेशन दूँ आपको, आपको कुछ ऐसा दूँ जिससे आप सीखें समझें और आपको कुछ करने का मौका मिले, और आप मुझे दुआओं में अपनी याद रखा जाए। तो ये आपने 10 मिनट्स में आपको बता रही जेंटली मसाज करना है। ये देखिए मैंने मसाज करने के बाद वाइप्स कर दिए, अब हम जो हमारे पोर्स ओपन हो गए हैं मसाज करने से, और हीट हो गया, हीट पकड़ चुका है, मैं स्किन जो है हीट पकड़ लेती है, जाहिर सी बात है जब मसाज करेंगे तो स्किन और जो होती है हीट पकड़ लेती है। इसको हम क्लोज करने के लिए, ठंडा करने के लिए अब एक मास्क की भी ज़रूरत होती है, मास्क बनाना है, तो मास्क बनाने के लिए हमें चाहिए मुल्तानी मिट्टी। ठीक है, ये देखिए जो मुल्तानी मिट्टी आप ले लीजिए 1 चम्मच, ठीक हो गया, 1 चम्मच आप मुल्तानी मिट्टी लें, और इसमें आपने डालना है अगेन ग्लिसरीन। ठीक हो गया, ग्लिसरीन इसलिए डाल रही हैं कि इस ग्लिसरीन जो है वो स्किन को फिर आपको रफ़ नहीं करेगी। अमूमन ये होता है कि जब आप मुल्तानी मिट्टी का मास्क लगाते हैं तो आपकी स्किन ड्राई हो जाती है और खिंचना शुरू हो जाती है, तो ये उस चीज़ों से रोकेगी। और ये मैं बता दूँ कि ये मास्क लगाने के बाद आप जो है ना ये खुश्क नहीं होगा, और उसको आपने ऐसे ही 10 मिनट्स के लिए आपने इसको लगाना है। ठीक है, आप इसका अच्छे तरीके से मिक्स करें। अच्छे तरीके से आपने मिक्स कर लिया हाथों की मदद से, और इसको इस तरीके से आपने लगाना है। इसको आपने 10 मिनट्स एनफ होगा, क्योंकि हमने इतने अच्छे फीचर बता दिया, तो 10 to 15 मिनट्स एनफ होगा। इसको ड्राई नहीं करना और इसको किसी तरह वाइप्स करना है। हाँ जी, 15 मिनट्स हो गए, मैंने स्क्रब मास्क भी उतार दिया, स्किन आप देखिए मेरी कितनी हेल्दी और फ्रेश हो गई है। मैंने हल्की सी फाउंडेशन लगाई, हल्का सा ब्लश ऑन लगाया, लिपस्टिक लगाई, और आपके सामने आ गई हूँ। यकीनन आपको मेरी ये वीडियो भी अच्छी लग रही होगी, अगर अच्छी लग रही है, और मेरे भी हेयर फॉल होना शुरू हो गए हैं क्योंकि बरसात है, बरसात में हेयर फॉल होते हैं, तो उसमें अनियन का जूस इस्तेमाल कीजिए, उसके साथ ही पानी का इंटेक बहुत ज़्यादा कीजिए। जब तक आप पानी ज़्यादा नहीं पियेंगे तो आपकी स्किन जो है डिहाइड्रेट हो जाएगी। इसको हाइड्रेट करने के लिए पानी का इस्तेमाल कीजिए, वॉक कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, नमाज पढ़िए, कुरान पढ़िए, और अच्छा सोचिए। अच्छा सोचेंगे तो फिर अच्छे ही रहेंगे दूसरों के लिए भी। नेगेटिव थिंकिंग अपने दिमाग में ना लाइए, जो काम भी आप कर रहे हैं वो मेहनत से कीजिए और अल्लाह ताला पे छोड़ दीजिए। और दुआओं में मुझे ज़रूर याद, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना तो बनता है यकीनन, क्योंकि मैं इतनी अच्छी अच्छी यूज़फुल टिप्स लेके आती हूँ। इसके साथ ही